हिमाचल प्रदेश में मानसून की भारी बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। अप्रैल से जून तक भीषण गर्मी से जूझ रहे लोग अब अगस्त महीने की निरंतर हो रही बारिश से परेशान हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 18 अगस्त तक राज्य में मौसम खराब रहने की संभावना है। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। प्रशासन ने जनता से सावधानी बरतने और लगातार जारी होने वाली एडवाइजरी पर ध्यान देने की अपील की है। पिछले 24 घंटों के दौरान नंगल डैम में सबसे अधिक 115 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे पहले शनिवार को नाहन में 196 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। बीते 24 घंटों में कसौली में 87, ऊना में 86, नैना देवी में 82.2, ओलिंडा में 89, बीबीएमबी में 73, नादौन में 72.5, पावंटा साहिब में 62, सुजानपुर टिहरा में 60.6 और धोलाकुआ में 56.5 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके साथ ही हमीरपुर के नैरी में 37.4 और ऊना में 35.19 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चली, जिससे कांगड़ा और सुंदरनगर में लोगों को तूफान का सामना करना पड़ा। पिछले 24 घंटों में तापमान की बात करें तो चंबा में 20.8 डिग्री सेल्सियस, भरमौर में 21.9 डिग्री सेल्सियस, कांगड़ा में 25.6 डिग्री सेल्सियस, धर्मशाला में 25.0 डिग्री सेल्सियस, पालमपुर में 22.5 डिग्री सेल्सियस, देहरा में 31.0 डिग्री सेल्सियस, नैरी में 25.7 डिग्री सेल्सियस, हमीरपुर में 26.8 डिग्री सेल्सियस, ऊना में 26.4 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में 25.6 डिग्री सेल्सियस, मंडी में 24.0 डिग्री सेल्सियस, सुंदरनगर में 25.3 डिग्री सेल्सियस, शिमला में 20.5 डिग्री सेल्सियस, सोलन में 24.5 डिग्री सेल्सियस, मशोबरा में 23.5 डिग्री सेल्सियस, कुफरी में 21.0 डिग्री सेल्सियस, नारकंडा में 17.0 डिग्री सेल्सियस, नाहन में 26.5 डिग्री सेल्सियस, धौलाकुआ में 29.6 डिग्री सेल्सियस और पावंटा साहिब में 27.0 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। राज्य में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है।